बोले श्या भरे रामचंद्र भगवान की। एक बार सर्वजीत पंडित काशी महीने जावे कबीरदास जी रो घर गेला रे माते सर्वजीत पंडित ठंडी मटकी देख और पानी पियो। आगे चेली कमाली चर को काते सर्वजीत पूछे बाया घर किनो है क्यों घर तो बाप जी किनो कहीं जल्ला मारो है सुदूल कष्ट्रो है और किनो है। सर्वजीत पंडित के भाई मैं थारो घरों पानी पीन खेड़ बेड़ बेगो बिटलू बेगो तो बाप जी पानी में कहीं है किधर बिटलू बेगा जिन टाइम सर्वजीत पंडित ने कमाली कहीं केवे। अरे इन माटी रा हम तुम्हें बनिया इन माटी री दे इन माटी रा ए हम तुम्हें बनिया इन माटी री दे इन माटी री मटकी बना दी मैं वहां से लाई इन माटी री ए मटकी बना दी मैं वहां से लाई रे। जड़े पूरे भेद बताओ ब्रह्म ज्ञानी ठाण लाई जली पानी रे। जड़े पूरे भेद बताओ ब्रह्म ज्ञानी पूछ पीजो जली पानी रे। माटी रा हम तुम बनिया इन माटी री देही इन माटी री मटकी बनाई ए बाप जी मैं वहां से लाई कुमारे घरु मटकी थई लावो बटू मैं ही लाई। सर्वजीत के वे ए भाई मैं पानी हिता लोटा डोरियो आगे पुराना जमाना मैंने बे खालड़ा री बेती छड़ा थे इनु छड़ू पानी लावो इन वास्ते मिदम पानी है। जिन टाइम कमाली के वे ए बाप जी तो छड़ लावत कोई बेरा में पानी है बराबर जे जिन टाइम कमाली जिन पंडित ने कहीं कहे प्रभु जी रे ओ बाजो पंडिती ओ सूतक का जावे रे काशी का ए बाजो पंडिती ओ सूतक का जावे रे। जले कोरे वेद बताओ ब्रह्म ज्ञानी ठाणे लाई जली पानी रे। जले कोरे वेद बता ब्रह्म ज्ञानी पूछ पियो जली पानी। कमाली के वे बाप जी जल की मछली जल में रह वे अरे जल में ही मर जावे थे काशी का बाजो पंडित मन वो सूत कहाँ जावे। देखो वो कितो वे जल की मछली बा जल में ही मर जावे और पानी में तो की है कोनी मामलो पानी तो है बराबर है। सर्वे जी देख रही बड़ी छोटी आ बच्ची देख तो आपने दबावे यानी इमें एड़ी बात कह वो जो वो आपने फाचो की कह नहीं सके। जिन टाइम सर्वे जीत पंडित केवे हे भाई मैं पंडित हाँ मैं शुद्ध चीज हूँ वो करिया करा। जिन टाइम सर्वजीत ने पंडित ने आ कमाली कही केवे हे बाप जी आप शुद्ध की करो क्यों देखो मारे गला में जिन्नू ही फैलने
क्यों जुनोई फ्रेंड जगत की कोने आपे फैक्ट्री आपे भी आगे जुनोया ये शोध आगे सुदूर का लोग इस काल था तो कहीं कहे सूतने का सापारे तेरे गले में ब्रह्म जल होई वही सूत हमारा रे तेरे गले में ब्रह्म जल होई वही सूत हमारा रे जले कोरे वेद बताओ ब्रह्म ज्ञानी पूछ पीजो जली पानी रे जरे कोरे वेद बताओ ब्रह्म ज्ञानी पूछ पीजो जली पानी देखता अपने दबावे यानी यानी बात क्या हो आगे एक बार कोई पंडित हो वो मन में सोचियो अब यार इन गांव मंदिर में बार बार फिरा कोई सिटी में आला पर सिटी वाला बेटा होशियार गणा ठगा वो कोनी ये कोई गांव गांव में बढ़ियो कोई छो दे जो घर दे के छोको कि हो आटे ठीक है कि बाप जी रसोई के तैयार बैठा पर बाप जी मैं रसोई बिने घरे करूं जो आदमी मने उत्तर पूछे और बिन उत्तर नहीं आवे बिन घर में रसोई जिमू छोतरी मन में सोचियो इन्हें मामन ने एड़ी बात पूछो जो को इन्हें बाप ने नहीं आवे जड़ी छोतरी कहे बाप जी बताए देव तो हाँ तैयार बैठा हूँ देखो नहीं बताई चला के बताए दे हूँ छोतरी कहे कट कट एंड दड़ दच एंड बड़ बच एंड डूंडा अब बताओ चौधरी बेटा पोती पांड आंबाड़िया कोई मिली ही को नहीं के बाप जी नहीं मिली होगा जाओ पर गोर में फोटो ने को चार मिला फोटो ने कहा कूद कूद एक दिन जाट ने कियो ए बाप जी इन्हें बमनु कोई थाने आटो है क्यों लग रहे फोटो ने कहो के जने के वो था एडी कई बात बिन पूछी कि वो पूछ गई वो अपने खेड़ी रे वो लागो नहीं कोड़ो बिन गुरगली काट दियो कट कट रहे वो नीचे पड़ियो नीचे अपन थाटा के छकड़ो बल था बिन मत पड़ियो जोर के बे टोक दिया भिड़किया हंगलाई क्यों ऐसी बात है चौधरी ने दिन जान बात छो दिन जान क्यों बाप जी मैं क्यों जो कहती जो नित्रो सारा बाप छह महीने बल देके वाला पोटा क्यों कही है क्यों कहती जो कट कट दड़ दड़ ढूंढा वो क्यों हाँ ठीक है बामन हिना ना पड़ा कर तैयार भी हो चौधरी पूछियो बाप जी हिना बेग दोनों करियो हिना ने कही आज वो थाड़ो उत्तर मन मिलियो पांच रो बेटो बट भाड़ा मुट गो बट हम वाला लाइ महाराज पूछो कि वो तैयार है कि तैयार है मामलो कि की करे कि वो कट कट कि वो बड़ बच है ढूंढा हाँ था बोलने गई चौधरी के बाप घर जाओ परा श्या भरे राम चंद्र भगवान की माली भी सर्वजींद पंडित ने कहीं समझावे भाई कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन हम शॉर्टकट में भिड़ा दू मैं ठीक रही देश फिरो परी देश फिरो मने ब्रह्म
ज्ञान नहीं होई देश फिरो में परदेश फिरो जी प्रेम ज्ञान नहीं होई रे चेली कमाली कबीरदास री पल में राज बताई रे चेली कमाली कबीरदास री।